गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने बाइसेप्स को घर पर ही ट्रेन कर सकते हैं बिना किसी जिम या बिना किसी इक्विपमेंट की हेल्प से। इस वीडियो में आपको जरूरत पड़ेगी दो ईंटों की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये उतनी भारी तो नहीं होंगी जितनी भारी हमारी जिम में डंबल्स या रॉड से करते हैं, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमें प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है। हम चाहते हैं कि हमारे नॉर्मल बाइसेप्स हों, जो हम टी शर्ट पहने तो अच्छे लगे, हमारे अच्छी बाइसेप्स पीक हो, तो वो हम इन ईंटों की हेल्प से भी बना सकते हैं घर पर रहकर ही। इसमें जो हमें ज़रूरत पड़ेगी, सबसे मेन ज़रूरत जो है वो है हमारी माइंड एंड मसल कनेक्शन। अब माइंड और मसल कनेक्शन में हमें ये करना है, जैसे हमें बाइसेप्स ट्रेन कर रहे हैं तो हमें अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि ये ईंटें बहुत भारी हैं और हमें नाइस एंड स्लो ईंटों को ऊपर लाना है और नाइस एंड स्लो ही नीचे ले जाना है। हमें कॉन्सेंट्रिक मोशन भी लेना है और एसेंट्रिक पार्ट को भी इग्नोर नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज। हमारी पहली एक्सरसाइज है बाइसेप्स कर्ल। अब बाइसेप्स कर्ल में हम हाथों को ऊपर ले जाएंगे, एल्बोज को लॉक करेंगे एक पोजिशन में और स्लोली नीचे लाएंगे। अब मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे मैं कितने भी रेपिटेशन कर लूँ कोई फ़ायदा नहीं है इसका, क्योंकि मैं एसेंट्रिक पार्ट को इग्नोर कर रहा हूँ। हमें नाइस एंड स्लो माइंड मसल कनेक्शन बनाते हुए परफॉर्म करना है। स्लोली स्लोली। अब आप चाहें तो इसे ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं। ऑल्टरनेट में ये दिक्कत ये है कि अगर हम इस हाथ को ट्रेन कर रहे हैं तो हमारे इस हाथ को रेस्ट मिल रहा है, जो हम नहीं चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी मसल अंडर टेंशन ज़्यादा देर तक रहे। तो मैं कहूँगा आपसे कि आप दोनों हाथों को एक साथ ट्रेन करें, एल्बोज लॉक एंड नाइस एंड स्लो ऊपर, नाइस एंड स्लो नीचे। मैं साइड एंगल दिखा देता हूँ, नाइस एंड स्लो ऊपर, नाइस एंड स्लो नीचे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हैमर कर्ल्स। इसमें हमें अपनी ईंटों पे ऐसे ग्रिप पकड़नी है ताकि हम इसको इस एंगल से पकड़ पाए और नाइस एंड स्लो ऊपर, नाइस एंड स्लो नीचे। इसमें भी आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं, लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा कि आप दोनों हाथों से परफॉर्म करें ताकि आपकी मसल जो है टाइम अंडर टेंशन ज़्यादा रहे। मैं साइड एंगल से आपको दिखाता हूँ। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है रिवर्स आर्म पुशअप। इसमें हम नॉर्मल पुशअप से रिवर्स हैंड करेंगे लाइक दिस एंड स्लोली नीचे जाएंगे। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है बाइसेप पुलअप्स। जैसे कि हम बैक पुलअप्स करते हैं वैसे ही हम बाइसेप पुलअप भी करते हैं। तो बाइसेप पुलअप के करने के लिए हमें घर पे एक रॉड टाइप जहाँ या सीढ़ी या फिर स्लैब ऐसी जगह चाहिए जहाँ हम लटक सकें। जैसे मैं इस स्टेयर्स पे लटक के दिखाता हूँ आपको बाइसेप पुलअप्स कैसे करनी है। आपको क्लोज ग्रिप में अपनी बाइसेप शोल्डर ग्रिप में हाथ पकड़ने हैं और अपनी बॉडी बाइसेप से आपको बॉडी को पुश पुल करना है। पूरा नीचे नहीं आना, पूरा बस बाइसेप 90 डिग्री। तो ये थी आज की एक्सरसाइजेस। कोशिश करें हफ्ते में दो बार परफॉर्म करें और एक महीने में आपको अपने बाइसेप्स पे रिजल्ट दिख जाएंगे। थैंक यू।